जिला कारागार गेट के नजदीक हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। घटनास्थल पर भारी फोर्स तैनात, पुलिस के अफसर जांच में जुटे। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के जिला कारागार के नजदीक का मामला। आज रात्रि को लगभग 8:15 बजे जिला कारागार बिजनौर से राजा नामक एक व्यक्ति की रिहाई हुई थी। उसको मारने के लिए दो बदमाश, जिनके नाम विशाल जो कि सिवरा थाना क्षेत्र का रहने वाला, इसके विरुद्ध 5 मुकदमे दर्ज हैं तथा उसका साथी रौनक जो कि हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र का रहने वाला, ये दोनों बदमाश उसको मारने के उद्देश्य से आए थे। मौके पर मौजूद जनपद पुलिस तथा कारागार पुलिस ने इनको पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में रौनक की गोली उसके साथी विशाल को लगी, जिस कारण विशाल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से रौनक को पकड़ लिया तथा राजन को भी सुरक्षित हिरासत में लिया। इन दोनों से पूछताछ जारी है। मौके पर दो तमंचा पुलिस को मिले। डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया। इस घटना में हमारे दो बहादुर साथी जिला कारागार के हवलदार रंजीत सिंह तथा जनपद पुलिस के कांस्टेबल राजीव दोनों घायल हुए हैं। दोनों का जिला कारागार में उपचार चल रहा है। दोनों सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। इनसे जब पूछताछ की गई रौनक और राजन से, दोनों ने यह बताया कि राजन ने कुछ माह पहले रौनक के साथी हर्षित चिकारा के घर पर फायरिंग की थी। इसी कारण रौनक ने अपने साथी विशाल के साथ मिलकर राजन को मारने की योजना बनाई। सभी बिंदुओं पर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू।